डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। यूपी के बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि हस्तनापुर के मतदाताओं ने इस मान्यता को कायम रखा है कि जिस पार्टी का विधायक हस्तनापुर से जीतता है उसकी ही पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है। इसे आगे बढ़ाते हुए विधान परिषद चुनाव में भाजपा के MLC प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज की जीत सुनिश्चित कर योगी मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। हस्तनापुर के जनप्रतिनिधि धर्मेंद्र भारद्वाज को रिकॉर्ड मतों से विजय बनाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। हस्तनापुर से भाजपा विधायक बनने के बाद एक बार फिर से राज्य मंत्री बने दिनेश खटीक मवाना में भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज के समर्थन में आयोजित जनप्रतिनिधियों की सभा को संबोधित कर रहे थे। देखिए क्या कहा राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने। ये भारतीय जनता पार्टी की श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आप लोगों ने 2017 में बनवाई, तब भी मुझे आपने आशीर्वाद देकर यहां से विधायक बनाया था, और पुनः 2022 में आपने इस बच्चे को, अपने भाई को, अपने बेटे को दोबारा विधायक बनाया, और दोबारा विधायक बनाकर श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाई। मैं इसके लिए तहदिल से आपका और पूरी विधानसभा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार करता हूँ। लेकिन साथियों, ये केवल हमारा धर्म नहीं है, हमारा केवल काम है आपकी सेवा करना। हमारी सरकार का काम करना है कि दलित हो, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो, महिला हो, बहने हो, सभी लोगों के लिए एक समान एक भाव से काम करना, चाहे राशन वितरण का कार्य हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना का कार्य हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे लघु सीमांत किसानों का ऋण हो। पार्टी जब तक होनी चाहिए, जब तक आदमी पार्टी चुनाव लड़े। यह सभी जाति और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। विकास के मामले में कुछ नहीं होता, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ सब लोगों का काम होगा। तीनों ब्लॉक प्रमुख, सारे चेयरमैन बैठे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। एक एक ग्राम प्रधान, कोई भी ग्राम प्रधान हो, सभी ग्राम प्रधानों के यहाँ विकास कार्य का काम होगा। हमारे प्रत्याशी हैं मेरे भाई भारद्वाज जी, आप जैसे मुझे आप लोगों ने जीता करके हस्तनापुर से और वहां भेजा है, मेरे हाथ मजबूत किए हैं, मैं आपकी सेवा तन मन से करूंगा। आप यहां से हस्तनापुर विधानसभा से जितने भी ग्राम प्रधान और BDC या हमारे सभासद या चेयरमैन जो मेरे भी वोट गिरेगी इसमें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके कंधा से कंधा मिलाकर एक एक BDC का सम्मान होगा और आपको कार्य करा जाएगा आपके गांव में, चाहे वो BDC हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो चेयरमैन हो। आपकी सेवा तन मन धन से जो हमारे प्रत्याशी हैं वो करेंगे। कि जब पिछली बार MLC का चुनाव हुआ था, उसमें दिनेश गोयल जी और श्रीचंद शर्मा जी थे हमारे प्रत्याशी, लोग टिक नहीं पाए थे, इतने कई कई हजार वोटों से उनकी जीत हुई थी, और इस बार भी भारद्वाज जी की ऐसी ही जीत होने वाली है। वो भी मैं आपके बल पर चाहता हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हूं, बाद में पहले मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं और आपका बच्चा हूं। आप लोगों का जो आप लोग आदेश करोगे वही होगा, लेकिन मेरा सम्मान वो होगा जो पूरे जिले में नहीं, पूरी सीट पर, जो ये MLC की सीट है इस पर सबसे ज्यादा वोट मेरी विधानसभा से मिलनी चाहिए। सर, आपको वोट अगर डालोगे तो वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, वो जो श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाएगी, वो वोट आपकी सीधी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाएगी, वो वोट आपके हाथ मजबूत करेगी। ये जो बुलडोजर दिया अभी मुझे गुरुभाव प्रधान जी हैं सनोता के,
यो बुलडोजर जब भी चलेगा तो भारतवासी यहां से बनेंगे। अगर यो बुलडोजर चलेगा तो मैं बता फिर मुंडो का क्या हाल होगा। सही कह रहा हूँ कि गलत आप बताओ। बहुत बहुत छोटे छोटे बच्चे बुलडोजर कह रहे हैं, उनको पता है कि यह गुंडा राज समाप्त होगा। और ये गुंडा राज अगर कोई समाप्त कर सकता है तो हमारा विधान परिषद में, विधानसभा में, विधान राज्यसभा में, लोकसभा में जब हमारा बहुमत होगा और उस बहुमत के साथ वहां पर हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, गरीबों को अन्न देने के लिए, शौचालय देने के लिए, घर देने के लिए जो ये कानून बनेंगे वो केवल अगर कानून बना सकते हैं तो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी बना सकते हैं। इसलिए भारतवासी का जीतना बहुत आवश्यक और जरूरी है। उनकी कोई विचारधारा नहीं है साथियों, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने इस भाई का, इस बेटे का, इस बच्चे का सिर नीचा नहीं होने देंगे। 9 तारीख को सबसे ज्यादा वोट आप भारद्वाज जी को देकर उनके नाम के सामने जो एक कॉलम होगा उसमें एक डंडा खींचेंगे और वो डंडा भी जो लाइन होगी बनी हुई उस लाइन को पार नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर रहना है वो डंडा। केवल वन बनाना है, ऐसे वन वो बना करके आप इन्हें विधानसभा में भेजेंगे, विधान परिषद में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके गांवों में विकास कार्य कराना मैं करूंगा, स्वयं आप करेंगे, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आपको। और एक बात पूछे, आप लोगों ने जो मुझे इस पद पर पहुंचाया है मेरी कोई औकात नहीं है, आज भी न पहले थी। मेरी अगर औकात है तो आपके बल पर है, आप मेरी ताकत है, आप मेरा स्वाभिमान है, आप मेरा सम्मान है। और आप हस्तिनापुर का मान है, सम्मान है, और ये सम्मान मैं हस्तिनापुर का कभी जीत मरते दम तक भी डिगने नहीं दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका मान सम्मान होगा हमेशा। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने यह कहा, जो आप जनसभा और बैठक कर रहे हैं तो कितना प्रतिशत और कैसा अनुभव आपको हो रहा है अभी तक? हमारे जो सभी ब्लॉक में जनसभाएं हो रही है, सभी बीडीसी मेंबर, ग्राम प्रधान, पार्षद सभी अपने इकट्ठे होकर के हमें समर्थन दे रहे हैं। और इस चुनाव में अभी तक हमारे साथ हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने हमारे मेरठ जिले को 2 मंत्री देने का काम किया है। वो खुद ही मंत्री होने के बावजूद इस तोहफे को स्वीकार करती है जनता, और वो प्रतिष्ठा है। तो दोनों मंत्री मेरे साथ हैं, पूरा उनका जन समर्थन साथ है, तो हमें लगता है कोई प्रत्याशी हमारे सामने टिक पाएगा। कितना प्रतिशत सहयोग आपको लग रहा है आपके साथ है? 90%। लोकेश प्रजापति से जब फर्स्ट बाइट संवाददाता शिवानी गौतम ने बात की तो उन्होंने यह कहा, मैं डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में वाइस चेयरमैन हूं भारत सरकार में। आपकी ये जो उपस्थिति रही है, आपको लग रहा है विधान परिषद का जो चुनाव है वो भाजपा एक बार फिर से जीतने वाली है? नहीं, ये तो कोई संदेह नहीं है। अब आपको भी लग रहा है क्योंकि सामने कोई प्रत्याशी जो है वो चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज जी जो बहुत बड़ी लीड से जो जीत करके इधर से निकलेंगे, चारों जिलों से अपार समर्थन एकदम मिला हुआ है। मैं चारों जिलों में जाने का मुझे मौका भी मिला, जैसे आज हस्तिनापुर विधानसभा में आया हूँ, ऐसी तमाम जिलों के तमाम ब्लॉक में जाने का मौका मिला, तमाम विधानसभाओं में जाने का मौका मिला है। सभी जगह एक तरफा मोदी जी, योगी जी में भरोसा करते हुए पूरी जनता, जनप्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जताने का काम किया, और धर्मेंद्र भारद्वाज जी यहाँ बहुत अपार वोटों से जीतने का काम होगा। एक जो प्रथा और मान्यता चली आ रही है कि हस्तिनापुर में जो सरकार बनती है वही हर जगह बनती है, तो ये प्रथा आगे भी जारी रहने वाली है? बिल्कुल जारी रहेगी। और हमने तो मिथक काफ़ी तोड़ने का काम किया। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री के बारे में कहा करते थे जो नोएडा चला जाता है या हस्तिनापुर चला जाता है मुख्यमंत्री नहीं बनता, तो देखो योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। हस्तिनापुर का था कि यहाँ दोबारा कभी लगातार विधायक 1953 से बाद में नहीं बना है, अब की बार दोबारा विधायक भी बन गए, और विधायक बनने के बाद सरकार भी बन गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।